तो आज मैं गाड़ी लेके आ गया डांगेवास, क्योंकि डांगेवास का मैंने सुना है कि मावा है जो पूरे राजस्थान में फेमस है, जोधपुर छोड़ के पूरे राजस्थान में। तो चलो भाई साहब देखते हैं कैसा मावा है कैसा नहीं है, चलो अंकल से बात करते हैं। डांगेवास का जो सुप्रसिद्ध हलवा है, मावा है, जो भाई झूमर जी महाराज इनसे लगवाते हैं, ऐसे क्या मावा झूमर जी 300 रुपए किलो है, कितने साल से बेच रहे झूमर जी? 20 साल से झूमर जी ओनली डांगेवास का फेमस मावा बेच रहे हैं। डिस्काउंट भी है झूमर जी, डिस्काउंट फुल डिस्काउंट लेते हैं आपसे। झूमर जी मावा लगा चुके हैं, झूमर जी बहुत ही अच्छा मावा लगाते हैं दोस्तों। ये पैकिंग का काम है इनका, झूमर जी का। वाह झूमर जी, मोगो पैकिंग। ओ देखो झूमर जी, तो लावा ले लिया झूमर जी, वैसे बेवफा चाय वाले यही है भाई साहब। दोस्तों झूमर जी से मावा लेने के बाद में पता चला कि इनकी नमकीन है वो भी काफी फेमस है, तो भाई साहब इनकी नमकीन भी पैकिंग करवाई, क्योंकि टेस्ट तो करना बनता है नमकीन का भी। नमकीन पैक करवा के पता चला कि पास में इनके बेवफा चाय वाला है, तो भाई साहब बेवफा नाम सुन के भी ऐसे मन में आया कि बेवफा है या नहीं है। तो भाई साहब चाय तो बनती थी, चाय की मेकिंग हाथों हाथ रखते हैं, क्योंकि बनी भी रखते हैं जैसे ऑर्डर के हिसाब से। भाई साहब इन्होंने ज्यादा चाय बनाई, बेवफा चाय। तो भाई साहब 15 रुपए 20 रुपए जोड़े के 20 रुपए और बेवफा चाय मेरे जैसे आशिकों के लिए सिर्फ मात्र 15 रुपए की चाय थी। भाई साहब चाय का टेस्ट करके पता चलेगा कि चाय कैसी है कैसी नहीं है, कप प्लेट में डाल के चाय दे रहे हैं। वाह क्या तरीका, इसे तो गांव में डालते हैं, होटलों में कब डालते हैं, कब प्लेट में। चलो डाइक का टेस्ट करके बता दे कैसी है चाय कैसी नहीं है, बेवफा वाली है या नहीं है। भाई साहब टेस्ट में लाजवाब और सुपर चाय थी जोधपुर डांगेवास।